Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Twinkling with me. So friends, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ब्लीच कैसे करें और ब्लीच करते समय क्या क्या सावधानियां आपको लेनी चाहिए जिससे कि आपका फेस खराब ना हो और आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाए। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एंड में वीडियो को जरूर लाइक करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि ब्लीच कैसे की जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस क्रीम ब्लीच। तो गाइज, जो इसकी पैकिंग है बाहर से, जो इसका बॉक्स है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्लू कलर का। तो आइए जानते हैं इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस है ₹95 ओनली। तो चलो इसको अब हम खोल के देखते हैं। तो गाइज, इसमें आपको मिलेगा एक पेज जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। आप देख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, प्लस ये क्रीम ब्लीच है जो हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है, और ये सीरम है आफ्टर ब्लीच हमें ये अप्लाई करना है। और इसके बाद देखते हैं, ये है एक्टिवेटर जो कि हमें क्रीम में मिक्स करना है। तो गाइस, ये सब चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेगी। तो फ्रेंड, जानते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले आप थोड़ी क्रीम लेंगे अपने फेस एंड नेक के अकॉर्डिंग और उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर ऐड करेंगे। अब आपको एक्टिवेटर कितना लेना है, मैंने यहाँ पर 2 से 3 चुटकी भर एक्टिवेटर लिया है। गाइस, एक्टिवेटर जितना हो सके कम ही डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी उसकी डालोगे तो स्किन बर्न होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ब्लीच, तो प्लीज़ पहले इसको आप अपने हैंड के अपोजिट साइड में जहाँ आपकी स्किन है वहाँ लगा कर टेस्ट करें। अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अप्लाई करने के बाद तो आप इसको प्लीज़ यूज़ ना करें, और अगर कम हो रही है तो यू कैन यूज़ इट। सो गाइज, ब्लीच लगाने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है और स्पैटुला की हेल्प से इस क्रीम को अपने फेस पर लगाना है। याद रखें कि ये जो ब्लीच है आपको अपने आईज़ के पास नहीं लगानी है, और जहाँ आपके फेशियल हेयर ज़्यादा हैं वहाँ अच्छे से उन हेयर को कवर कर लेना है। तो गाइस, इस ब्लीच के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स है तो ये इसको रिमूव करेगी, अन ईवन स्किन टोन को ईवन करने में हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन डल है तो उसमें ग्लो ला देती है, डेड स्किन सेल्स उसको हटाती है, और अगर सन टैनिंग है तो उसको भी रिमूव करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ब्लीच में अमोनिया एड नहीं है। तो गाइज़, ये ब्लीच आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं या 2-3 हफ्तों में 1 बार इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस ब्लीच को कितनी देर तक रखना है, आपको इस ब्लीच को 15 मिनट तक रखना है, और अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क है तो 10 मिनट तक। तो गाइज़, मुझे ब्लीच लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब आप किसी सॉफ्ट हैंकी या सॉफ्ट टॉवल की हेल्प से अपने फेस को वाइप कर सकते हैं। याद रखें कि आपको फेस को रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपना फेस क्लीन करना है, और आप देख सकते हो कि फेस कितना क्लीन और एक अच्छा सा ग्लो दिख रहा है। तो गाइज, इसके बाद हम पोस्ट ब्लीच सीरम यूज़ करेंगे अपने फेस पर। तो गाइज़, यहाँ मैंने सीरम निकाल लिया है और ये मैं अब अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि ब्लीच करने के बाद सीरम या मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो और आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। तो इसके लिए सीरम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो उसे ज़रूर लगाएँ। तो गाइज, यहाँ मेरी ब्लीच हो चुकी है, और ब्लीच करने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ब्लीच करने के बाद आपको 5 घंटे तक या 6 घंटे तक आपको अपने फेस पे सोप बिल्कुल नहीं लगाना है, आई मीन आपको कोई भी साबुन अप्लाई नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको धूप के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, मतलब ब्लीच करने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। सो गाइज, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, जब भी आप ब्लीच करें तो रात के वक्त में करें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक तो आप बाहर नहीं जाओगे, और ब्लीच करने के बाद पूरा प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो तो आप नेक्स्ट डे देखना कितना अच्छा ग्लो आएगा और आपकी स्किन कितनी हेल्दी लगेगी। तो मेरी ये एडवाइस है कि जब भी आप घर पर ब्लीच करें तो रात के वक्त में करें।
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। सो टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय।